स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? ए. ड्रुक ग्यालपो का आदेश, बी. हिमालय का क्रम, सी. ड्रैगन का आदेश, डी. भूटान का आदेश। आंसर ए. ड्रुक ग्यालपो का आदेश। एक्सप्लेनेशन: भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया। अगला प्रश्न। किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. 22 मार्च, बी. 23 मार्च, सी. 24 मार्च, डी. 25 मार्च। आंसर बी. 23 मार्च। एक्सप्लेनेशन: 23 मार्च 1931 को तीन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के जुर्म में देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई। इतिहास की इस बड़ी घटना को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न। नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? ए. असम, बी. मणिपुर, सी. मेघालय, डी. नागालैंड। आंसर डी. नागालैंड। एक्सप्लेनेशन: नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3,000 से अधिक एथलीट 3 जिलों चुमोकेदिमा, दिमापुर और कोहिमा में 12 स्थानों पर आयोजित 15 विषयों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगला प्रश्न। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ए. गंगा, बी. राहत, सी. इंद्रावती, डी. मैत्री। आंसर सी. इंद्रावती। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इसके तहत गुरुवार देर रात 12 लोगों को कैरेबियाई द्वीप डोमिनिकन रिपब्लिक ले जाया गया। हैती में 23 दिनों से हिंसा जारी है, सड़कों पर लाशें बिछी हैं। 2021 में भ्रष्टाचार के आरोपी तत्कालीन राष्ट्रपति जोवेनियल मोइस की अज्ञात हमलावरों ने उनके आधिकारिक आवास पर हत्या कर दी थी। तब से कैरेबियाई राष्ट्र हैती 2 वर्षों से अधिक समय से व्यापक गिरोह हिंसा से त्रस्त है। अगला प्रश्न। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? ए. अदालत का आदेश प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी, बी. भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, सी. भारत में पहली बार किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया, डी. शराब घोटाले में पहला व्यक्ति गिरफ्तार। आंसर बी. भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। एक्सप्लेनेशन: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। ईडी ने अदालत में कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं तथा कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल हैं। इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली गई, जिसे आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया, जिसके मुख्य निर्णयकर्ता केजरीवाल हैं।